नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों, वीडियो में बात कर रहे हैं टाटा टेली सर्विसेस महाराष्ट्र लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। आज भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। 2.79% की दर से स्टॉक का प्राइस 38 रुपये 30 पैसे 38 रुपये 35 पैसे के लेवल पर ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें प्रीवियस क्लोजिंग की, तो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वो 39 रुपये 40 पैसे की थी। आज के दिन स्टॉक ने 37 रुपये 80 पैसे से लेकर 39 रुपये 95 पैसे का लेवल टच किया है। अभी के टाइम तक हो सकता है क्लोजिंग होते होते स्टॉक में अपर सर्किट लग जाए या स्टॉक जो है लोअर ट्रेंड में ही आज मार्केट क्लोज कर जाए। अगर टोटल ईयर रेंज की बात की जाए तो 2 रुपये 70 पैसे से 54 रुपये 10 पैसे का हाई जो है स्टॉक लगा चुका है। तो कुल मिला के दोस्तों गिरावट बरकरार है। हम लोगों ने उम्मीदें लगाई थी Q1 के रिजल्ट से कि Q1 के रिजल्ट एक पॉजिटिव फिगर लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी के Q1 के रिजल्ट जो हैं अच्छे नहीं आए, उल्टा कंपनी ने यहाँ पर लॉस दिखाया, जिसकी वजह से डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर और खरीदारी करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए? तो आइए समझते हैं। अगर आज के ट्रेड को देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप बाय की क्वांटिटी देखेंगे तो 4,67,010 शेयर अभी तक हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बाय के लिए यहाँ पर बिड किए गए हैं। अगर सेल क्वांटिटी की बात की जाए तो 4,12,043 शेयर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो सेल की क्वांटिटी है वो बाय की क्वांटिटी से कम है। कहने का मतलब ये है कि लोग जो है यहाँ पर बाय कर रहे हैं स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक का प्राइस काफ़ी अच्छे खासे लेवल पर आ चुका है और फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा मौका है। और साथ ही TTML का स्टॉक अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हर एक डिप आपके लिए एक अच्छा मौका यहां पर साबित होगी, क्योंकि देखिए TTML का जो टारगेट है वो फ्यूचर में काफ़ी हाई जाने वाला है। और जिन लोगों को लगता है कि स्टॉक इस लेवल के बाद भारी गिरावट दिखा सकता है, तो उन लोगों के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि TTML के बिजनेस मॉडल को अगर आप देखेंगे तो आपकी सोच जो है कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है अब समय के अनुसार बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी ने पिछले टाइम में क्या किया है, अगर बात की जाए पिछले 5 साल में 3 साल में कंपनी ने जो भी किया हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है वो मायने रखता है। क्योंकि आज के टाइम पे जो भी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, इसका जो असर है, इसका जो रिजल्ट है वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और अगर फ्यूचर में कंपनी ने उस लेवल को टच कर लिया तो जिस लेवल पर स्टॉक का प्राइस अभी आपको देखने को मिल रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा स्टॉक का प्राइस भी हो जाएगा। तो अभी आपको सस्ता मिल रहा स्टॉक, और साथ के साथ सबसे बड़ा जो भरोसा है वो है टाटा का नाम। TTML के साथ जुड़ा हुआ टाटा ग्रुप की कंपनी है और टाटा कभी भी अपने इन्वेस्टर्स का लॉस नहीं होने देती। इस सोच के साथ अगर आप TTML स्टॉक के साथ बने रहेंगे तो एक अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आपने बाय करना है और बाय करके होल्ड करना है, तभी आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में आप हो सकता है अच्छे रिटर्न से यहाँ पर बना कर ले जाएं, यानी कि 50% 60% तक का रिटर्न बना लें। लेकिन अगर आप लंबे समय तक बने रहेंगे तो ये जो रिटर्न है 1000% तक भी हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने अगर आप देखेंगे कि 1 साल में 968% का रिटर्न दिया है, ये उन लोगों को मिला है जिन लोगों ने यहाँ पर पेशेंस रखा अप एंड डाउन जैसी कंडीशन में। कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ पर 1 साल पहले पैसा लगाया होता 3 रुपये 60 पैसे के प्राइस पर, और जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 7 रुपये 75 पैसे था और उसके बाद जब गिरावट हुई तो मुझे डर जाना चाहिए था। और अगर मैंने डर के यहाँ पर स्टॉक को सेल कर दिया होता तो आज के टाइम पे ये जो लेवल्स हैं हमें देखने को ना मिलते। तो यही फॉलो करना होता है किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक में एक मल्टीबैगर रिटर्न बनाने के लिए, कि स्टॉक में अगर डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो आपने अपना फोकस नहीं भूलना कि आपने कितने समय के लिए पैसा रखना है, और साथ के साथ कंपनी के बिजनेस पर भी नज़र रखनी है। अगर बात की जाए टाटा टेली सर्विसेज की, तो टाटा ग्रुप जो है अपने ओवरऑल सभी ग्रुप को एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ कन्वर्ट करना चाहता है। यानी कि अगर बात की जाए कि टाटा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। और जैसा कि अभी न्यूज़ निकल के आई थी कि टाटा जो है अब सेटअप करने जा रही है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड। और अगर टाटा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करती है, अच्छे प्रोसेस करती है, तो वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी होगी इंडिया की, जो कि सेमीकंडक्टर जो है वो प्रोड्यूस करेगी। और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है टाटा ग्रुप के टाटा मोटर सेक्टर को पड़ता हुआ, यानी कि ऑटो व्हीकल सेक्टर के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और साथ के साथ टाटा ग्रुप के सभी शेयरों के ऊपर भी इसका काफ़ी अच्छा असर जो है देखने को मिलेगा। और
एक तरफ मैं आपको बता दूं कि TTML जो है टाटा ग्रुप की इकलौती टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, और कंपनी जो है 5G सेक्टर में भी अपना हाथ आजमा रही, यानी कि 5G के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी सर्विसेज आने वाली हैं अब टाटा टेली सर्विसेज, उनको भी अपने अंडर में लेकर आ रही है और उनकी भी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराएगी। तो बिजनेस मॉडल जबरदस्त है, आप बने रहेंगे तो अच्छा रिटर्न कमाएंगे हर एक लेवल पर। आपको ये चीज़ मैं आपको बताता आया हूँ, तो स्टॉक के साथ बने रहें, लंबा फोकस रखें। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।